नमस्कार, मैं हूं लोकेश शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा ये पूरा सेटअप है, ये न्यूज से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल बनाना, तो आपको इस तरीके का सेटअप बनाने के लिए जिस ऐप की जरूरत पड़ेगी और आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर इस तरीके की वीडियोस आती रहती है। फ्रेंड्स, अब यहां से हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक ऐप की मदद लेनी होगी, जिसका नाम है किनेमास्टर, जो आपको प्ले स्टोर से ईजिली मिल जाएगी। और नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं यहाँ से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ से समझते हैं कि हम इस तरीके की वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और जो ऐप ये हमने आपको बताई थी किनेमास्टर, ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको एक सबसे पहले एक शॉप देखने को मिल रही है, झोपड़ी। उसके बाद एक प्लस का आइकॉन है। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी वीडियो का साइज सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 16:9 का एक क्लिप बनाई है, तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से मीडिया में जाएंगे। मीडिया में हमारी वो वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ से हम अपनी उस वीडियो को उठा लेते हैं जो हमने बनाई थी। अब जैसा कि सबसे पहले हम इस वीडियो को चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे वीडियो में से निकाल देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पर वीडियो की लेयर पर क्लिक करने के बाद ऊपर कैंची का आइकन नज़र आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे को ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड करना है, हमें लेफ्ट साइड का पार्ट काटना है, तो वो अब यहाँ से कट गया है। उसके बाद ऊपर राइट के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा अब वही चीज़ आएगी जो हमारी से हमारे को जहाँ से शुरू करना है इस वीडियो को। इसी प्रकार से हम लास्ट का जो हमारा पार्ट जितना भी हमारे को काटना है उसको भी हम इसमें से काट देंगे। वीडियो की लेयर पर क्लिक करेंगे टाइमलाइन पर, उसके बाद कैंची पर क्लिक करने के बाद हमारे को ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड यानी राइट साइड का हमारे को जो पार्ट इसमें से काटना है हम उसको काट देंगे। अब ये हमारी वीडियो बिल्कुल जो हमारे को वीडियो में पार्ट चाहिए वो सारे पार्ट हमारे पास हैं। अगर आपको इसमें से बीच में से भी अगर कोई पार्ट जैसे कि आपको लगता है कि ये निकालना चाहिए, तो आप उसको भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इससे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पर आपने कोई गलती की है, तो अगर आपने जैसे कि यहाँ पर कुछ गलती की है, तो आप दोबारा वीडियो की लेयर पर क्लिक करने के बाद कैंची पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्प्लिट एट प्ले हेड करना होगा। सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, पर फिर भी अब स्प्लिट टू प्ले हेड करने के बाद यहाँ पर एक वीडियो की जो लेयर है वो दो हिस्सों में बट गई है। अब उसके बाद अगर आपको इधर का हिस्सा काटना है तो इधर का हिस्सा भी काट सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड का, और अगर राइट का हिस्सा जितना भी काटना है वो आप यहां से काट सकते हैं। हालांकि मुझको नहीं काटना है, पर आप यहां पर काट सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इतना हिस्सा काटना है तो आप यहां पर दोबारा इस जगह को चुनने के बाद यहां पर वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और कैंची से आप अपना राइट या लेफ्ट का जो भी हिस्सा काटना है उसको काट सकते हैं। तो चलिए, हमारी तो खैर ये वीडियो हमें काटना नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया था। तो अब चलो, हमारी जो ये वीडियो ये सिलेक्ट होगी। अब इसके बाद हमारे को जैसे न्यूज वाला सेटअप लगाना है इसमें, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे लेयर में।
लेयर में जाने के बाद हमें जाना होगा ओवरले में। ओवरले में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे गेट मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। गेट मोर के ऑप्शन से आपको जिस भी तरीके के ओवरले चाहिए वो सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जैसा कि हमने न्यूज वाला लाइव न्यूज का पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से गेट मोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको हमारी पिछली वीडियो के अंदर आपको न्यूज़ का पूरा सेटअप मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन में, जिसे आप वहाँ से भी लोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले न्यूज़ का फ्रेम आ जाता है। हम सबसे पहले न्यूज़ के फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से ब्लू कलर के फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऊपर राइट पर क्लिक कर देते हैं और इसको पहले हम सेट कर लेते हैं पूरा, ताकि हमारा एकदम सही से आ सके इसमें हमारी वीडियो। ठीक है, इसको हम ओके करने के बाद जो नीचे लाइव न्यूज़ का जो आ रहा है, ये हमने जो अभी लगाया, इसकी साइज़ को हम पूरी वीडियो में लगा लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। अब ये पूरी वीडियो में हो गया है। अभी जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं तो कुछ स्पेस नज़र आ रहा है, अभी हम उसको भी कवर कर लेंगे। उसके लिए हम दोबारा लेयर पर जाएंगे और ओवरले पर जाने के बाद हम दोबारा इसी न्यूज़ लाइव में जाएंगे और यहाँ से हम ब्रेकिंग न्यूज़ वाला चिन्ह उठा लेते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में भी देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का जो होता है उसको, इस पर हम क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को भी हम अपनी वीडियो के बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसी लेयर पर क्लिक करने के बाद इसको हम सेट करेंगे उस जगह पर जहाँ पर हमें इसे रखना है। जैसा कि नीचे की जगह खाली है, हम यहाँ पर इसे सेट कर लेते हैं। इसका साइज़ अगर छोटा या बड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या छोटा, जो भी करना है अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको उस जगह पर रख देता हूँ जहाँ पर मैं इसे रखना चाहता हूँ। इसके बाद हम ऊपर से राइट क्लिक कर देंगे तो अब ये यहाँ पर फिट हो गया है। अब हम इसमें एक चीज और डालेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद ओवरले पर डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा पे लाइव न्यूज़ पर जाएंगे और यहाँ से हम लाइव जो का जो चिन्ह है उसको भी ले लेंगे यहाँ से। साथियों, इससे होता क्या है, लाइव न्यूज़ का जो चिन्ह होता है वो लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करता है, तो ये भी हमारे लिए ठीक रहेगा। अब इसको हम ऊपर पहले राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसकी लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको हम साइज़ का छोटा या बड़ा कर लेंगे और इसको हम जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। इसको हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको ज़रा एक बार चला के देखते हैं। अब इसमें अगर हम और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लेयर पर जाएंगे, ओवरले पर जाने के बाद हम दोबारा से लाइव न्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं हेडलाइन, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ के हेडलाइंस होती हैं, इस तरीके का अगर आप भी चाहते हैं कुछ हेडलाइन देना तो हेडलाइन पर क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग पर लेके जाते हैं, स्टार्टिंग से ये लास्ट तक जाना है। या इसमें और भी बहुत से होते हैं, जैसे रनिंग वाला होता है तो वो रनिंग वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा क्लिक करके इसको सही जगह पर ले जाएंगे। पहले इसका साइज़ ठीक करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आए तो हम क्या करेंगे, ओवरले पर क्लिक करने के बाद नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी लिखना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अब जो मैंने टेक्स्ट किया है उसके हम पहले इसका फ्रंट चेंज कर देते हैं, यहाँ से फ्रंट बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम इस पर लेके जाएंगे यहाँ से,
फ्रंट जो हमने अभी बनाया है इसका कलर हमारे को चेंज करना है, तो ऊपर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो कलर आप इसमें चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ब्लैक कर लिया है, तो अब मैं इसको अगर लास्ट तक करना चाहता हूँ तो मैं इसको लास्ट तक कर सकता हूँ। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला जो ये हेडलाइन है अगर इसको आप रनिंग में करना चाहते हैं तो इसको आप रनिंग में कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आप चाबी का निशान देख रहे हैं, चाबी के निशान देख रहे हैं आप, चाबी के निशान पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो प्लस का बटन है इस पर प्लस करके इसको रनिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसको यहाँ से मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको तो ये आगे की तरफ जाएगा यहाँ से, जैसा कि हमने इसको अभी किया है, ये देखिए। अब ये यहाँ से स्टार्ट था, तो अब हमारे को इसमें एक चीज़ और करनी होगी, जैसे कि हमने अभी इसमें अपना नाम लिखा है चैनल का, तो इसको भी हमारे को रनिंग में लेके जाना होगा ताकि ये भी बिल्कुल उसके साथ जा सके, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ से ऐसे ही चला देंगे। अब इसको हम राइट क्लिक कर देते हैं यहाँ से, अब आप देखेंगे तो इसके साथ साथ जो हमारा लिखा हुआ है वो भी इसके साथ साथ जाएगा। इसी प्रकार से आप भी चाहें तो इसमें हेडलाइंस में कुछ भी लिखकर उसको भी इस तरीके से चला सकते हैं। अभी ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार इस वीडियो को मिले और आपका अगर कोई सवाल हो तो मैं उस सवाल के ऊपर और वीडियो को तैयार करूँ। यहाँ पर हमारे को हम देखते हैं और भी कुछ अगर ऐड करने को मिलता है, जैसे कि लेयर में जाने के बाद ओवरले में जाएंगे और हम दोबारा से न्यूज़ लाइव न्यूज़ में जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको माइक भी मिल जाता है। अगर आपको चाहिए कि आप माइक भी आपको मिले तो आपके सामने ये माइक भी आ गया है। इसको हम माइक को भी पूरा वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने पूरी वीडियो को बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, जो ये माइक है इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड कर देंगे, यानी कि ये फ्रंट पर है, हम इसको थोड़ा बैक साइड में कर देते हैं। बींग टू फ्रंट, बींग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर देंगे तो अब ये पीछे की तरफ चला गया, सामने फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और दोबारा से इसको हम चला के देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की वीडियोस को देखते रहना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, अब जैसे कि हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो गई है, तो अब हमारे को क्या करना होगा, जैसे कि हमारी ये पूरी वीडियो तैयार हो गई है तो उसके बाद हमारे को यहाँ पर आप शेयर का बटन देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ से सबसे पहले शेयर के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसका जो रेजोल्यूशन है या फ्रेम रेट है वो अलग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसको थोड़ा लो पे किया हुआ है ताकि मेरे को बहुत कम नेट में ये वीडियो मिल सके। अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा मतलब कि रेजोल्यूशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो एक्सपोर्ट करके आप इसको आराम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं लोकेश शर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो हमारा ये पूरा सेटअप है ये न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब पर एक न्यूज़ चैनल बनाना तो आपको इस तरीके का सेटअप बनाने के लिए जिस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर इस तरीके की वीडियोस आती रहती है। फ्रेंड्स अब यहां से हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक ऐप की मदद लेनी होगी जिसका नाम है किनेमास्टर, जो आपको प्ले स्टोर से ईजिली मिल जाएगी। और नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ से समझते हैं कि हम इस तरीके की वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं।